नमस्कार। अब हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं कर सकता हूं बट एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर मैं सोच रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने सोचा तो मैंने सोचा कि हैप्पी ईयर न्यू ईयर न्यू का मैं भी आज आपसे एक सवाल पूछूंगा वो बाद में मतलब जब आपने सब पूछ लिए तो मैं पूछूंगा मैंने सोचा है आप सबके लिए भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली तक पहुंची है और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला समझने को मिला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लक्ष्य आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो डर नफ़रत हिंसा फैलाई जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है और मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल यात्रा रही है अभी तक जो शायद हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा इस यात्रा ने अचीव कर दिया है बेरोजगारी का मुद्दा भी है महंगाई का मुद्दा भी है और जो हिंदुस्तान में इनकम इनिकवालिटी आ रही है चुने हुए लोगों के पास अरबों रुपए और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं यह भी हमारा एक मुद्दा है पर्सनली जब मैंने यात्रा शुरू की मेरी सोच थी कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा मैं कोई मतलब प्री नोशन नहीं ले जाऊंगा तो शुरुआत ये थी कि शुरुआत में लगा कि भाई देखो हम पैदल चल रहे हैं मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है जिसको मैंने नदी भी कहा है ये एक जीवित चीज है इसकी एक आवाज है इसकी भावनाएं हैं फीलिंग्स हैं और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं फीलिंग्स हैं तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए आप लोग में से बहुत लोग आए और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं मेरे जो आर के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है तो मैं चाहता हूं और मैं सीरियसली बोल रहा हूं मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह और अच्छी तरह समझ आए एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए रिएक्ट कैसे करना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं थैंक यू जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा कोई और कुछ और, कुछ और कह रहे हैं और मैंने उनको जवाब दिया देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है ये हमें कुछ बोल रही है और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं रही बात विपक्ष की मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शन भी होते हैं पोलिटिकल कंपल्शन होते हैं दूसरे कंपल्शन होते हैं तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं किसी को हम रोकने वाले नहीं है दूसरी बात विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं मायावती जी हैं बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं मैं जानता हूं नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, तो रिश्ता तो है उनके साथ आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है सबसे पहले मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है एक नया तरीका देने का है सरकार की कमियां हैं उसमें मैं आपको बता सकता हूं बेरोजगारी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट नोटबंदी गलत जीएसटी, चाइना ये कमियां हैं गलतियां की हैं मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ यह है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए चाइना के बारे में पूछिए शायद आप वो ना पूछें पता नहीं बाकी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं बट ब्रॉडली ये है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं इसको 99% बिलीव करता था 100% बिलीव नहीं करता था मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता नहीं मिटा सकता तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है 18 से से और जैसे मैंने कहा अभी कितने लगाए होंगे करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए कमी नहीं है पैसे की डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए कुछ असर नहीं पड़ता है सेना वायुसेना नेवी बाकी जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बात सुननी है, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम ठीक है दूसरी बात जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और वो मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं मगर नॉन मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं वो आप शुरू कर दीजिए तीसरी बात जो बॉर्डर पर हो रहा है उसको आप छुपाइए मत क्योंकि चाइना को मैसेज जा रहा है देखिए चाइना दो स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले गया है चाइना को मैसेज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया मैं आपके घर के अंदर आ गया ठीक है और फिर मैंने आपसे कहा जाऊंगा तो ये मैसेज उनको जा रहा है तो हमें क्लियरली ये कहना भैया आप अंदर आओ पब्लिकली कहना आप अंदर आओ निकलो यहां से तो ये, ये सरकार इस पर कंफ्यूजन में है और मैं चाहता हूं कि यह कंफ्यूजन हटे अब मेरे बारे में क्या करते हैं जब मैं सरकार की बात करता हूं एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं नहीं मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सरकार की बात कर रहा हूं सरकार में और आर्मी में फर्क है सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं तो सरकार को आर्मी के पीछे नेवी के पीछे एयरफोर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए यह कायरता है और सरकार को ओनअप करना चाहिए कि हम हमने ये किया ये गलती हुई अब इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उनको मदद करेंगे पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मैं नहीं पूरा ऑपोजिशन सरकार को मदद करेगा मगर बताइए तो क्या हुआ और मैं जानता हूं जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है मैं जानता हूं समझता हूं और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है ये मतलब अच्छी बात खराब बात नहीं है बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई उनकी उनके पिता या उनकी उनकी दादी शहीद नहीं हुए तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं और मैं ये भी चाहता हूं मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज करने हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को उनके परिवारों को हो तो यह मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है मैं ये नहीं करना चाहता हूं ठीक है मगर और मैं और जो हमारे मैं समझता हूं जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं अब मेरी टी शर्ट की बात कर रहे मगर मैं जानता हूं वहां आज खड़े हैं सियाचिन में उधर हिमालय पे मैं जानता हूं कि उनको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती है और मैं उनसे प्यार करता हूं हर हर सोल्जर से और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना लगे चोट ना लगे